अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अपने आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी इस्लामिया कॉलेज पेशावर के फॉल एडमिशन 2022 के बारे में। तो उन्होंने अपने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की अनाउंसमेंट की है। इनके एम फिल एंड पी एच डी के एडमिशन जो है के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स जानेंगे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के बारे में, इसके अलावा एडमिशन शेड्यूल, इनके इंटरव्यू की डेट, इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे इसका फीस स्ट्रक्चर। तो चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडवर्टाइजमेंट है जिन्होंने अपलोड की है अपनी वेबसाइट पे, तो जिसमें हमें 5 ईयर प्रोग्राम्स में LLB ऑफर करवाई जा रही है। ओनली फॉर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी HEC का लैट एडमिशन टेस्ट पास किया हो, यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट जिन स्टूडेंट ने पास किया है वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने लैट पास किया है। तो इसके अलावा जो इनकी प्रोसेसिंग फ़ी है वो 1500 रुपीज़ है, जो कि अपने UBL की ब्रांच पर सबमिट करवानी होगी। और जिन स्टूडेंट ने ट्रायल बेस पे अप्लाई करना है यानी कि स्पोर्ट्स बेस पे अप्लाई करना है तो उनको 1700 रुपीज़ सबमिट करवाने पड़ेंगे। अगर हम BS 4 ईयर प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो इसमें हमें अरेबिक BEd 1.5 ईयर, इसके अलावा 4 ईयर्स BBA, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोग्राफी, इस्लामिक टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पाक स्टडीज़, पश्तो, फिजिक्स, पोलिटिकल साइंस, फिजोलॉजी, साइकोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, उर्दू एंड जोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन की है 21 अक्टूबर 2022। हाफ सिक्रॉन का जो टेस्ट होगा वो 24 को कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो कि प्रोविजनल बेसिस पे है इसमें करेक्शन के चांसेस हैं तो वो अपलोड की जाएगी 25 को। इसके अलावा जो फाइनल मेरिट लिस्ट है नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होगा। इनके फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर कोई भी आपके मार्क्स गलत लिखे, आपसे बाय मिस्टेक परसेंटेज गलत लिख दी गई है या उसकी कोई करेक्शन वगैरह है या आपके ID कार्ड वगैरह या कुछ भी करेक्शन आपने करवानी है तो वो आप करवा सकते हैं 28 तक, और 28 को फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसके साथ अगर बात करते हैं शेड्यूल की जो कि BS BBA LLB के लिए है, तो उसके जो इंग्लिश LLB LLB शरिया और ला का जो होगा इंटरव्यू और 31/10/2022 को होगा। केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का होगा 1/11 यानी कि 1 नवंबर को होगा। पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी का 2 नवंबर को, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिक्स का 3rd, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BBA, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट होगा 4 नवंबर को, इकोनॉमिक्स BEd, जियोग्राफी, पाक स्टडीज़ का होगा 7 नवंबर को, अरेबिक, पश्तो, उर्दू, स्टेटिस्टिक, इस्लामिक टेक्नोलॉजी का होगा 8 नवंबर को। इसके अलावा ICP जो के एम्प्लॉय हैं बलोचिस्तान स्टूडेंट, जो कि जिन स्टूडेंट ने कोटा सीट पे अप्लाई किया हुआ है या अफगान नेशनलिटी या फॉरेन स्टूडेंट है, तो उनका जो होगा इंटरव्यू वो होगा 9 नवंबर 2022 को। इसके साथ ही अदर एरियाज जिन्होंने अप्लाई करें या डिसेबल कैंडिडेट हैं या फिजिकली चेंज, तो उनके लिए जो टेस्ट होगा उनका जो इंटरव्यू वो 10 नवंबर को होगा। इसके साथ क्लासेज जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं आपकी 14 नवंबर 2022 को। इम्पॉर्टेंट नोट मैंने मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट के लिए, अगर कोई भी डिपार्टमेंटल सीट्स में चेंजिंग्स की जाती हैं तो उसका जो शेड्यूल है वो अपलोड कर दिया जाएगा इंटरव्यू का। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर इंटरव्यू के लिए, जिनमें इन केस ऑफ अगर अप्लाई फटा के स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो कंपल्सरी है, टेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स की अगर ड्यूरिंग इंटरव्यू, जिसमें है प्रोविजनल सर्टिफिकेट FA and FSC का आपकी होनी चाहिए, मार्कशीट, इसके अलावा आपके डिटेल्ड मार्क सर्टिफिकेट DMC होनी चाहिए, डोमिसाइल आपका रिक्वायर्ड है, बेफॉर्म आपका रिक्वायर्ड है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल एड प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट के लिए जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। PM फीस स्कीम है, HEC नीट बेस्ड स्कॉलरशिप है, ब्रदर सिस्टर फी कंसेशन है, फीशिप जनरल फी कंसेशन और नेशनल बैंक फाइनेंशियल लोन उसका स्कॉलरशिप उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ। इसके अलावा फाटा और FR स्कॉलरशिप है, एम्प्लॉय ऑफ एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलरशिप, फिर ये डिफरेंट स्कॉलरशिप हैं, अगर आप किसी भी इनमें स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो उसका जो है फॉर्म वो भी मौजूद है इनकी वेबसाइट पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी। और फॉर हॉस्टल की क्यूरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, आपको फर्दर उसके अकॉर्डिंग गाइड कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो एप्लीकेंट को जो है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सेट ऑफ फोटोकॉपी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इनके पास होना चाहिए। इसके अलावा फुल फी मस्ट आपने डिपॉजिट करवानी है बिफोर इंटरव्यू सबमिशन ऑफ फी। इंस्टॉलमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
किसी भी कैंडिडेट को सेपरेटली इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, और आपने ड्यू डेट तक जो कि डेट मेंशन की गई है एडमिशन शेड्यूल में, तो अपना आपने सबमिट करवानी होगी एप्लीकेशंस। और आपको हार्ड डू नॉट सबमिट हार्ड कॉपी, आपने हार्ड कॉपी को सबमिट नहीं करवाना, बट आपने एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हार्ड कॉपी ऑफ जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया उसके पास कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा ओरिजिनल बैंक स्लिप होनी चाहिए आपके पास एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मिनिमम नंबर ऑफ मतलब यानी कि अगर स्टूडेंट जो से हैं वो लेस देन 20 होंगे तो उस डिपार्टमेंट में या उस सब्जेक्ट में जो है वो एडमिशन्स स्टार्ट नहीं किया जाएंगे, बट 20 होना कंपलसरी है। इसके साथ ही इन्होंने मेंशन किया शेड्यूल ऑफ एडमिशन ऑन स्पॉट बेसिस, तो जिन स्टूडेंट स्पॉट्स के बेस पे अप्लाई करना है तो ये फर्दर गेम्स के नेम वगैरह मेंशन है, तो वो उसके अकॉर्डिंग टाइम जो आपका होगा ट्रायल, तो अब मेंशन जिसने भी स्पोर्ट्स बेस पे अप्लाई करना है वो इस डेट को एंड टाइम को जा सकते हैं यूनिवर्सिटी। इसके साथ ये फीमेल्स के लिए है जिनमें वो एथलीट्स में अप्लाई कर सकती हैं, बैडमिंटन में एंड टेबल टेनिस में। इंपॉर्टेंट नोट फॉर ट्रायल, ये इंपॉर्टेंट नोट है, जिन्होंने ट्रायल बेस पे अप्लाई करना है तो उनके पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होनी चाहिए, FAFSC की DMC एंड प्रॉपर स्पॉट प्लेइंग किट होनी चाहिए आपके पास, शर्ट निकर एंड ट्राउजर्स वो डिटेल्स मेंशन है, तो स्पोर्ट्स बेस वाले स्टूडेंट इसको रीड आउट कर ले। सीट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो मिनिमम आपके 45% मार्क्स सीक्रेट फॉर एडमिशन इन BS प्रोग्राम रिक्वायर्ड है। मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 30 ईयर्स होनी चाहिए आपकी, एंड एवरेज रिलैक्स एज 30 रिक्वायर्ड, इसमें 5 ईयर की आपको रिलैक्सेशन दी गई है। डिसेबल कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं, ओपन मेरिट की 50 सीट है, इसमें डिसेबल 3 सीट्स, उन्होंने नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे मैं से वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे हाफ से कुरान को। इसके अलावा एडमिशन टू दि वो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है एज अ डिसेबल कैंडिडेट, तो उनके लिए कंपलसरी है कि उन्होंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या नादरा से लाजमी अपने डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। BS प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो उसके अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अरेबिक में आपके इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट, बॉटनी आपने प्री मेडिकल की हो, केमिस्ट्री के लिए आपका प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग दोनों में से कोई भी हो सकता है, कंप्यूटर के लिए आपका प्री इंजीनियरिंग हो जाए या GS1 GS2, इसके अलावा प्री मेडिकल रिक्वायर्ड, इकोनॉमिक्स, ये इस प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, उसके हेल्प से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स को। पेमेंट ड्यू उन्होंने मैंशन किया हुआ, टोटल फी पर सेमेस्टर 46,640 आपकी, और वेयर्स फी फॉर अरबी इस्लामिक टेक्नोलॉजी उर्दू पश्तो राइस, और जो इनकी फ़ी है आर्ट सब्जेक्ट की वो 25,960 है, इनके 25,960 रुपये है पर सेमेस्टर। फुल सेमेस्टर फी शैल बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड इंटरव्यू। रजिस्ट्रेशन फी जो आपकी है वो है 5,500 जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा उन्होंने मैंशन किया है कि रिफंडेबल पॉलिसी है, इसमें परसेंटेज ऑफ ट्यूशन फी फुल आपको वापस की जाएगी। टाइम लाइन फॉर सेमेस्टर सिस्टम अप टू 7 डेज अगर हो जाते हैं तो उसका, अगर आपके 8 to 15 डेज होते हैं तो 50% फी रिफंडेबल चाहिए, बट अगर 30 हो जाते हैं तो नो फी रिफंडेबल, ये इसकी डिटेल्स मेंशन है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए तो आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, तो आप उसकी हेल्प से इजिली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी कार्ड नंबर मेंशन करें, पासवर्ड एंड टाइप पासवर्ड सबमिट कर दें। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, और लास्ट पे आपके पास चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा जो कि 1,500 रुपीज़ का होगा और स्पोर्ट राइट स्टूडेंट के लिए 700 रुपीज़ का होगा, तो उसको आपने सबमिट करवाना होगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी है एडमिशन के अबाउट तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। नो टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।